नमस्कार मित्रों, हम हैं अजीत सर। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है दामोदरगढ़ रीवा यादव। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे करणी का सरलीकरण। देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया है कि यदि 67 का घात 67 हो तो 68 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। मैंने बताया था दो फार्मूला, यहाँ लिख दे रहे हैं, देख लो। यदि a का घात n अपान a प्लस 1, यदि n बराबर सम संख्या है, सम संख्या है तो क्या होगा। यदि n बराबर सम संख्या है तो सम है तो n बराबर 1 होगा, यानी a बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा, a बराबर 1। और यदि यहीं पे विषम होता a घात a प्लस 1, यदि n बराबर विषम होता तो कहीं नहीं जाना है, जो a के जगह में रहेगा a बराबर, जो इसके जगह में रहेगा वही उसकी संख्या होगी, a बराबर ए वही उसकी संख्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। ध्यान है तो यहाँ पे देखो सवाल नंबर क्या बोलता है। सवाल देखो हमारा 67 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 67 का घात 67, 68 तो शेष क्या होगा, 68 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर एक घात एन वन प्लस एक घात ए प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे दिया गया है, हमने बताया था एक जगह हमें हमारा क्या है 67 घात विषम है, यानी एन के जगह हमें 67 ही है, 67 प्लस 1 इक्वल टू हमारा क्या होगा, ए होगा, चूँकि विषम है तो ए होगा, एक जगह में ए बराबर 67 हमारा यही उत्तर आ गया, यानी ए बराबर यहाँ पे 67। देखो अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, वन अपान 2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो इसका सूत्र होता है, सूत्र हम लिखा दे रहे हैं आपको कि 1 अपान अंतर, क्या अंतर इनटू पहली संख्या माइनस अंतिम संख्या, ठीक है ना। तो इसमें पहली संख्या हमारी कितना है, अंतर, तो अंतर कर लो पहले 2 माइनस 1 करन तो 1/1 अंतर हो गया। पहली संख्या क्या है 1 घटाएं तो 1 माइनस इतना 1/n प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो आराम से, 1/1 कट गया, एन माइनस 1 ए एलसीएम ले लिया, माइनस 1 एन प्लस 1 तो ए और ए कट गया, कितना बच गया, बचा कितना एन अपान एन प्लस 1, यही हमारा उत्तर आ गया, यानी देख लो ए वाला सी, देखो मैच हो रहा है दोनों, सी एन ओ एन अपान एन प्लस 1, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ दिया है 1/1/7 प्लस 1/7 गुणे 13 प्लस 1/13 गुणे 19 प्लस 1/19 गुणे 25 इक्वल टू क्या होगा, उत्तर बताना है। तो हमने यहाँ सॉल्व किया, देखो ये टोटल लिख दिया क्वेश्चन। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1/7 प्लस 1/7 13 गुणा कर दिया यहाँ पे,
प्लस 1/13 1/25 इंटू कॉमन कर दिया 1/19 दोनों में है, इसमें भी है नहीं तो कॉमन कर दिया। कॉमन करने के बाद यहाँ पर देख लिए लघुत्तम लिया तो 7 × 14 हुआ 2/13 गुना अपना, और यहाँ पर लघुत्तम लिया 25/13 इतना अपन 1/19 गुना, देखो 2 ऊपर बचा नीचे 13 हो गया प्लस 25 प्लस 13 अपान 13 इंटू 25 गुणे 1/19 2/13 प्लस 38 हुआ 13 25 जोड़ा 38 हुआ 19 2 38 दो बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 2/13 अपान प्लस 2/13 इंटू 25 तो लघुत्तम लिया जब एलसीएम निकाला इनका कितना हो गया 2 × 13 गुणे 25 इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर दिया अपान 13 × 1 × 2 और 25 13 × 25। अब देखो यहाँ पे एक 13 कॉमन किया हमने तो 25 × 2 = 50 हुआ तो 50 + 2 13 कॉमन कर दिया 1 13 1 13 कट गया बचा कितना 50 × 2 = 52 52 × 13 = 25। अब 13 × 52 = 4 25 यानी 4/25 हमारा उत्तर आ गया, आंसर सही है। इसमें देख लो 4/25 आंसर सही आया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय भाइयों।